मध्य प्रदेश में एक बार फिर दलितों पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी के महाकुंभ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी को दलितों की याद आ जाती है, बीजेपी के इवेंट शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब जब चुनाव सामने आते हैं, जब जब दलित वर्ग की याद आती, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की याद आती है, और आप देखें कि इवेंट चालू हो जाते हैं। इसके पहले भी हमने इवेंट देखा, जनजाति गौरव दिवस देखा, और उसके पहले हमने बिरसा मुंडा की जयंती देखी, और दलित वर्ग को साधने के लिए बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती पर महाकुंभ कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लुटा दिए जाएंगे। हमारे इन आयोजनों से कोई विरोध नहीं है, हम कहते हैं आयोजन करो, लेकिन जितना पैसा इन आयोजनों में खर्चा हो रहा है, यदि इस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए खर्च होगा तो बेहतर हो सकता है। और चुनाव के समय आपको ये वर्ग क्यों याद आता है? आपकी 15 वर्ष से 17 वर्ष से सरकार है, आपको कभी बिरसा मुंडा याद नहीं है, आपको रानी कमलापति याद नहीं है, आपको टंटे मामा याद नहीं है, आज आपको बाबा साहेब भी याद आ रहे हैं, सब याद आ रहे हैं। तो सब चुनावी एजेंडा, चुनाव आते हैं सब याद आते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई।